वेलकम टू वी एस एजुकेशनल प्लेस बी बी एस सी 142 बाय एस वी क्रेजी हैक्स। वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। गाइस, इस वीडियो में हम इकाई 12 पढ़ने वाले हैं, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ भारत की विदेश नीति। गाइस, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसमें दो ही क्वेश्चन हैं, हमें अफ्रीका के साथ संबंध पढ़ने और लैटिन अमेरिका के साथ संबंध पढ़ने हैं, जिसमें हमें पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ टॉपिक्स के नाम याद करने हैं और बाकी सब समझना है। गाइस, भारत के अफ्रीका के साथ कैसे संबंध थे, भारत के अमेरिका के साथ कैसे संबंध थे, बस हमें उनमें ये टॉपिक्स ही याद रखने। अगर हमें टॉपिक्स याद रह जाते तो हम पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। आइए गाइस, इन पॉइंट्स के बारे में समझते हैं डिटेल में, सिर्फ आपको समझना है, इसको याद नहीं करना है। अगर भारत और अफ्रीका के संबंधों की बात करें तो भारतीय नेताओं ने शायद ही कभी अफ्रीका देशों की यात्रा की होगी। नई दिल्ली में विदेश नीति की महत्वाकांक्षाओं के इर्द गिर्द बातचीत बहुत कम शामिल है। अफ्रीका के साथ बातचीत के इतिहास बहुत कम हैं। भारत के समकालीन संबंधों में वर्णन और बातचीत की ऐतिहासिक पर हावी है। सदियों पुरानी व्यापार साझेदारी, एक संपन्न प्रवासी द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक संबंध, उपनिवेशवाद विरोधी, नस्लवाद और विरोधी के लिए नेहरूवादी युग के दौरान एकजुटता और समर्थन, अफ्रीकी लोगों के रंगभेद संघर्ष और गुटनिरपेक्षता आंदोलनों के साथ बदलते हुए भू राजनीतिक ज्वार। यानी कि अफ्रीका के साथ बहुत कम संबंध रहे हैं, सिर्फ नेहरूवादी युग में ही समर्थन देखने को मिला था। खनन, कृषि, वानिकी और भूमि में भारतीय निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। अफ्रीका के पास पर्याप्त कृषि भूमि है जो भारत की खाद्य सुरक्षा को संबोधित कर सकती है। भारत इस भूमि को पट्टे पे लेने का विचार कर रहा है अफ्रीका में। भारतीय व्यापार में निर्यात के लिए नज़दीकी फसल नकदी फसलों की खेती के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की सूचना दी गई। भूमि राजनीति की दृष्टि से अग्रणीय शक्ति बनने के लिए अफ्रीका का समर्थन महत्वपूर्ण है। जैसे कि राजनीतिक स्तर पर UNSE में स्थायी सीट हासिल करने के लिए 55 सदस्यीय मजबूत अफ्रीकी संघ का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें अफ्रीका के महत्व की, तो भू रणनीति और आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से अफ्रीका बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है भारत के लिए। भू राजनीतिक दृष्टि से अफ्रीका भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र, क्योंकि भारत को इसकी निकटता है, इस क्षेत्र में कट्टरपंथी समुद्र डकैती, संगठित अपराध के खतरे सामने आते हैं, इसलिए भारत की सुरक्षा की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो अफ्रीका में ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के लिए भारत की मदद कर सकता है। एकीकृत ऊर्जा नीति के घोषित उद्देश्य में से एक है। अफ्रीका में सोने और हीरो सहित बहुमूल्य खनिजों और धातुओं का भंडार है जो भारत ले सकता है, भारत की इसमें मदद कर सकता है सोने और हीरो के व्यापार में। इन संबंधों का विकास कैसे हुआ? अफ्रीका और भारत के संबंध की नींव महात्मा गांधी ने रखी थी। वो जो मानते थे कि विचार और सेवाओं का वाणिज्य होना, न कि कच्चे माल का, साम्राज्यवादी शक्तियों की तरह कच्चे माल का नहीं। भारत ने तब एक स्थान लगातार एक कायम रखा, अफ्रीका के सपनों को साझा करते रहे। भारत और अफ्रीका सहयोग वास्तव में दो तरफा साझेदारी है। एफ्रो एशिया एकजुटता की बात की, इसमें भारत के नेतृत्व वाले गुटनिरपेक्षता आंदोलनों को ताकत प्रदान की। भारत और अफ्रीका देशों के बीच संबंध को मजबूत होते हुए देखा। 2000 के दशक में सरकार ने कौन सी नीतियां अपनाई, आइए जान लेते हैं। पैन अफ्रीकी स्तर पर सहभागिता, क्षेत्रीय संगठन के साथ भागीदारी, IBSA और ब्रिक्स के माध्यम से विकास की साझेदारी, देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध और
भारतीय समुदाय और प्रवासी भारतीयों को शामिल करना। अफ्रीका में भारत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुजरात के गांधीनगर में 2 मई 2017 को 52वां वार्षिक अफ्रीकी विकास बैंक की बैठक हुई थी, जिसमें 55 देशों के साथ भारत के संबंधों पर फिर से ध्यान केंद्रित हुआ था। ये एक ऐतिहासिक सर्वाधिक है कि पिछले 2 दशकों से भारत से बड़ी संख्या में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों ने अफ्रीका में निवेश करने और अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक जुड़ाव बढ़ा है। व्यापार में 2005 से 6 तक 11.9 अरब डॉलर से 5 गुना बढ़कर 2015 से 16 में 56.7 अरब डॉलर पहुंच गया। अगर भारत और अफ्रीका के व्यापार की बात करें तो आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने में, सुगम बनाने में कई पहले की गई दोनों क्षेत्रों के बीच। दोनों महाद्वीपों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए 2002 में भारत सरकार द्वारा फोकस अफ्रीका का कार्यक्रम शुरू किया गया और संयुक्त रूप से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को के लिए जुड़ाव के क्षेत्रों को पहचान मिली। 2009 में भारत ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा परिकल्पित पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट लॉन्च किया और दोनों क्षेत्रों के बीच मित्रता और जुड़ाव को मजबूत करने के लिए भारत ने 45 से भी अधिक अफ्रीकी राज्यों को एक साथ लिया, बहुत सारी परियोजनाओं का शुरू किया और सेवाओं का समर्थन किया। इस परियोजनाओं में वर्तमान में 47 देशों में चालू किया गया है। 2005 से 2015 और 16 के बीच भारत और अफ्रीका के बीच कुल व्यापार 5 गुना बढ़ गया है। 2017 में 52 अरब डॉलर हो गया है। वैकल्पिक रूप से अफ्रीका को भारत का निर्यात 2008 में 14 अरब डॉलर से बढ़कर 2017 में 23 अरब डॉलर हो गया है। CAGR 5.6% इस अवधि के दौरान। आयात के मामले में यह आंकड़ा 20 अरब डॉलर और 28 अरब डॉलर था, यानी कि 2008 में 20 अरब डॉलर और 2017 में 28 अरब डॉलर तक हो गया है। भारत के लिए पसंदीदा निर्यात गंतव्य दक्षिण अफ्रीका बना हुआ है। ऊर्जा में सहयोग। अफ्रीका ऊर्जा से भरपूर है। अफ्रीका में भारत की रुचि प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत विशेष रूप से ऊर्जा से प्रेरित है। अफ्रीका में भारत की भागीदारी आर्थिक प्रकृति की है, जो मुख्य रूप से तेल और खनिजों से जैसे संसाधनों पर केंद्रित है। भारतीय की आर्थिक कूटनीति का लक्ष्य विशेष रूप से पश्चिम अफ्रीका में संसाधनों की तलाश करना। भारतीय FDI के मकसद के संसाधनों की तलाश के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। भारतीय FDI प्राप्त करने वाले शीर्ष क्षेत्र में कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और धातु शामिल है। भारत तेल, खनिज और कृषि कच्चे माल का आयात करता है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में दोनों कुछ देशों में भारतीय निवेश का प्रमुख चालक है। अगर सुरक्षा सहयोग की बात करें तो हिंद महासागर का पानी भारत को अफ्रीका से जोड़ता है। समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद द्वारा भारत की विदेश नीति का एजेंडे का शीर्ष पर रहा है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैरोबी केन्या यात्रा को दोनों देशों के द्वारा रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर चिन्हित किए। भारत और केन्या कई समान सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आतंकवाद और कट्टरवाद एक ऐसी समस्या है जिनका अनुभव दोनों देश करते हैं। केन्या में कई आतंकवादी हमले हुए, इसके अलावा भारत में भी कई आतंकवादी हमले हो चुके हैं। 2002 में मोमबास में होटल का में बमबारी हुई, अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया था 1998 में। इन आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ दोनों ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये तो थी अफ्रीका की बात। आइए लेटिन अमेरिका से भी भारत के संबंधों के बारे में जान लेते हैं। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण में दोनों क्षेत्रों के बीच सार्थक आर्थिक और राजनीतिक जुड़ाव के अवसर खोले गए। नए भारत और नए लेटिन अमेरिका और केरेबियाई क्षेत्र एक दूसरे की धारणाओं को सकारात्मक
बदलाव आया जिससे उनके संबंधित बाजारों और मानसिकताओं के बीच पूरकता और तालमेल की खोज हुई। भारत लैटिन अमेरिका को अपनी ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के दीर्घकालीन योगदानकर्ता और कई 100 मिलियन उपभोक्ताओं के एक मजबूत बाजार के रूप में देखता है, जबकि भारत लैटिन अमेरिका व्यवसायों के लिए एक बड़ा और बढ़ता हुआ बाज़ार प्रदान करता है। अगर लैटिन अमेरिका के साथ आर्थिक संबंधों की बात करें तो उसमें फोकस LAC, ये क्या था? ये फोकस LAC नामक से प्रीमियर निर्यात प्रोत्साहन रणनीति शुरू की थी भारतीय वाणिज्यिक मंत्रालय ने। इसके उद्देश्य क्या क्या थे? इसके उद्देश्य थे व्यापार प्रोत्साहन प्रयास संगठन शामिल थे, जिसमें निर्यात संवर्धन परिषदों, वाणिज्यिक उद्योग मंडलों और एक किजम बैंकों और ECGC आदि संवेदनशील बनाए। भारतीय निर्यातकों को विभिन्न प्रोत्साहन दिया, निर्यात प्रोत्साहन उपाय शुरू किए। इस क्षेत्र में प्रमुख व्यापारिक भागीदारी पर अतिरिक्त जोर देने के साथ लैटिन अमेरिकी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना तथा LAC को भारत निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उत्पाद समूहों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने लैटिन अमेरिका देशों को FDI लगभग $3 बिलियन होने का अनुमान है। ऊर्जा खनन और कृषि क्षेत्रों में अनुपातहीन रूप से लगे हुए हैं वे सभी क्षेत्र जिसमें भारत के विदेशी फर्म द्वारा निवेश पर नियमक प्रतिबंध है। राजनयिक संबंधों की बात करें तो अमेरिका के साथ वर्तमान और अतीत में निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता रहा है और LAS देशों के साथ भारत के संबंध लेन देन वाले होते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहा है और ब्राज़ील पर केंद्रित किया गया है भारत के हितों को, जो ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश हैं। IBSA में भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका हैं जैसे समूहों में भारत की भागीदारी बनी रही है। भारत और ब्राज़ील जर्मनी और जापान के साथ एक G4 का गठन करता है, वह समूह जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग करता रहा है। इसके बाद अगर रक्षा संबंधों की बात करें तो भारत और LAC क्षेत्र के बीच रक्षा सहयोग समिति है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा वादा है। भारत ने अपने घरेलू एयरबर्न्स अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट के लिए 3 एम्ब्रियर EMB-145 विमान खरीदे। भारत और ब्राज़ील में रक्षा उत्पादन अनुसंधान और विकास का यह यहां तक कि संयुक्त सैन्य अभ्यास के संबंध में सहयोग की क्षमता है। दक्षिण अफ्रीका में इब्समर नामक 3 संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किए गए। इब्समर में 3 नौसेनाओं को 2 महासागरों में 3 देशों के बीच समुद्र डकैतियां, अंत विरोध और संचार के समुद्री मार्गों में सुरक्षा में समन्वयित करता है। अगर रक्षा उत्पादों की बिक्री की बात करें तो भारत ने 2 महिंद्रा रक्षक बथकर बंद वाहन और 1 महिंद्रा रैपिड इंटरवेंशन वाहन की बिक्री, होंडुरन सेना को 39 अशोक लीलैंड 4x4 टैंक की बिक्री। इसके अलावा महिंद्रा 4x4 वाहनों की अर्जेंटीना, उर्गेव और बेल्जियम को बिक्री। इसके अलावा चिली कार्बाइन रोस स्पेशल फोर्सेज को 29 महिंद्रा मार्क्समैन वाहनों की बिक्री, पेरू को 2 सिविल मॉडल ध्रुव हेलीकॉप्टर की बिक्री। इसके अलावा इक्वाडोर को 7 ध्रुव हेलीकॉप्टरों की बिक्री। इसके अलावा सुरीनाम को 3 चेतक हेलीकॉप्टरों की बिक्री शामिल है रक्षा उत्पादों की बिक्री में। गाइस, ये थी हमारी 12वीं इकाई जो ख़त्म हो चुकी है। इसके साथ ही हमारा खंड 4 ख़त्म हो चुका है। आगे हम खंड 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो
अगली यूनिट पे बने रहें गाइस, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ गाइज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।